चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं काबिलियत से चमकते हैं, अगर बनना है तो काबिल बनो। आज हम आपको एक ऐसी काबिल शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी मूंछों के द्वारा पहचाने जाते हैं, जिन्हें राजनीति का बब्बर शेर भी कहा जाता है, कहीं पे इनको फायर ब्रांड कहा जाता है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले हमारे बीच हैं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और 3 बार विधायक रहे श्री गांधे आहूजा जी। आहूजा जी आपका स्वागत है वीडी टीवी भारत पर। धन्यवाद आपको, आपके स्टूडियो को और आपको। आहूजा जी, साधारण से किसान परिवार में आपका जन्म हुआ, आपके पिताजी गंगानगर में सरपंच रहे, कहां से आपको ये प्रेरणा मिली राजनीति में आने की? मूलतः मैं बचपन में 8 वर्ष का ही श्री गंगानगर में आदर्श नगर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गया। बड़े भाई साहब भी संघ की शाखा में जाते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति में नहीं है, और संघ में ये कहा जाता है कि संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक सब करेंगे। तो बचपन से राष्ट्रवाद और कट्टर राष्ट्रवाद, हिंदुत्व की हार्डकोर लाइन से मैं जुड़ा, और वो संस्कार ऐसे अमिट रहे कि आगे बढ़ते बढ़ते मैं विद्यार्थी जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, और फिर हिंदू जागरण मंच का मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री रहा, विभाग का, फिर हिंदू जागरण मंच का क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहा 3 प्रांत, और मैं लेबर लीडर भी रहा। ट्रेड यूनियन में स्टेट नहीं, ऑल इंडिया नहीं, इंटरनेशनल यूएनओ का ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी मेरा नाम गया, जहाँ वो जेनेवा जिसका मुख्यालय है। और मजदूर नेता रहते हुए, लेबर लीडर रहते हुए, मैं केंद्र के 8 लेबर फेडरेशनों का पदाधिकारी रहा, अध्यक्ष या महामंत्री उपाध्यक्ष, और छोटे बड़े 17 लेबर फेडरेशन स्टेट के। और आपको ये भी आश्चर्य होगा, आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, मैं गवर्नमेंट का जो लेबर को मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं ESI, उसका भी मैं डायरेक्टर रहा, और मैं डायरेक्टर रहा PFS में, भविष्य निधि स्कीम में जी, और 4.5 वर्ष वो 8-8 वर्ष रहा, और 4.5 वर्ष में थी गंगानगर शुगर मिल का डायरेक्टर रहा जी, और बहुत सारे यूनियंस का संरक्षक, कहीं चीफ पैटर्न, बहुत आयाम, और बहुत यात्रा छूटने के बाद बहुत नाटक और ड्रामा में भाग लिया, और अच्छा खिलाड़ी में हॉकी और फुटबॉल करा जी। संघ की शाखा में जाते हुए भी मैं और अच्छी पेनल्टी कॉर्नर का और हॉकी का खिलाड़ी रहा, फुटबॉल का खिलाड़ी रहा, और शरीर स्वस्थ हो, आज भी आप देखते हैं मैं 72 साल का बच्चा हूँ और 27 साल का जवान लगता हूँ जी, जी। उसका कारण ये है कि मैंने बहुत अच्छा मेंटेन किया है, और व्यसनों से परे हूँ, सुपारी से लेकर ऊपर तक कोई व्यसन नहीं जी। आप अलवर के रामगढ़ सीट से 3 बार विधायक रहे हैं, आप मॉब लिंचिंग को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे, पूरे वर्ल्ड वाइड में आपके बयान, जो आपने बातें कही वो सब चला पूरे सोशल मीडिया पे, सब जगह पहलू हत्याकांड हुआ था वहां, अक्सर मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती रहती हैं, कुछ मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ जाती हैं, कुछ हो सकता है सामने नहीं आ पाती, आपकी एक हिंदू नेता, राष्ट्रवादी नेता की छवि है, जो ये मॉब लिंचिंग हो रही है इस तरह से गाय का सहारा लेके, कोई धर्म विशेष के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, इस तरह से ये हो रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 33 करोड़ देवी देवता है हमारे, उसमें एक ईसा मसीह और सही, एक मोहम्मद साहब और सही, उनके पैगंबर, किसी मजहब धर्म नहीं है वो, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, सिख, ये मजहब नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये पंथ है, मत है, ये विचार है, ये मजहब है, ये रिलीजन, अंग्रेजी का जो रिलीजन शब्द है उसका नेहरू परिवार ने बहुत सत्यानाश कर दिया उसको, संपंथ निरपेक्षता को, संप्रदाय निरपेक्षता को धर्म निरपेक्षता कह दिया। आपने कहा था कि अगर गाय कटेगी गाय को मरेगा तो ये सही हुआ, मतलब ये गलत नहीं हुआ, ऐसे मॉब लिंचिंग होना गलत नहीं हुआ। जब हम हिंदू हैं, और मैं कट्टर हिंदू हूँ बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूँ, जब हम चींटी को दाना देते हैं, जब हम पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी को माँ के रूप में पूजते हैं, गाय को माँ के रूप में पूजते हैं, हम पत्थर को भी प्राण प्रतिष्ठा देकर पूजते हैं, तो हम किसी इस्लाम और ईसाइयत के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? उसका ये भी हो सकता था कि उसको पकड़ के पुलिस के हवाले भी कर सकते थे, उसको मारना कहाँ? देखिए, मॉब लिंचिंग को कहा के मर्डर, मर्डर नहीं हो, मर्डर होता है योजना पूर्वक किसी स्वार्थ को, किसी उद्देश्य को लेके, और स्वार्थ और उद्देश्य मॉब लिंचिंग में उनको मारने का नहीं है, जिसको हम माँ कहते हैं, उस माँ से कोई छेड़छाड़ करे, सशक्त बेटा होगा, सपूत बेटा होगा, तो उसका मुकाबला करे। देखिए, अपराधी की तो कोई जात नहीं होती,
अपराधी की जाति है ना, गो तस्करी सारे एक मजहब एक समुदाय विशेष की लोग करते हैं। अब उस समय योजना पूर्वक लोग हत्या करने नहीं जाते हैं। श्रीमान गहलोत साहब को यह समझ में आना चाहिए कि योजना पूर्वक हत्या नहीं है, मर्डर नहीं है। उनसे पूछते हैं वो ठीक से जवाब नहीं दे पाते, और फिर उस पहलू कहाँ पर 9 में 2 केस दर्ज हैं गो तस्करी के, हमारे अलवर जिले में 3 केस दर्ज हैं गो तस्करी के, नौगांवा थाने में हैं उसके बेटे और भाइयों पर। यानी हम सीधी बात पर आए कि अगर ऐसे कोई गायों को तस्करी कर रहा है, ले जा रहा है, और भीड़ कोई भी हो सकता है, भीड़ में भीड़ अगर उस आदमी को मार देती है तो वो सही काम है? देखिए, वो सही काम मैंने नहीं कहा, कभी नहीं कहा, आज भी नहीं कह रहा हूँ। मैंने जो कहा है कि गौ तस्करी करोगे और गोकशी करोगे तो यूं ही मरोगे, क्यों? कानून का उल्लंघन कर, मैं कानून का साथ दे रहा हूँ। 1995 में जो कानून बना कि गौ वंश यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, तो कई वकील उन्होंने कहा गांधी जी आपका ये बोलना कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट तक जाएगा। मैंने जाएगा, लेकिन लाइसेंस स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं अपने भारत देश से, बीफ बाहर जाता है, कट के लाइसेंस ही कत्ल खाने जो खुले हुए हैं, सरकार को उसके लिए कदम उठाना चाहिए। केंद्र में मोदी जी वो बंद होने जा रहे हैं। अब हम आपसे नया सवाल करते हैं कि नागरिकता बिल जो अब सरकार लाई है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो नागरिक दुखी है, आप जबरदस्ती घुसने वाले शरणार्थियों में, वो शरणार्थी नहीं है, वो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, अफगानिस्तान, योजनापूर्वक आतंकवादी कश्मीर में गुंडाई मचाते रहते हैं, योजनापूर्वक बांग्लादेशी आसाम में घुस गए, और योजनापूर्वक अफगान के लोग यहाँ, और पकड़े भी जाते हैं बॉर्डर पर भी और बॉर्डर के अंदर भी, और अब उनका घुसना, घुसपैठियों का, और हिंदू जो पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में है उन पर वहाँ कितने अत्याचार हुए पिछले 75 साल में, कहाँ तो 16.7 था हिंदू वहाँ पर पाकिस्तान में, और अब 1.6 है। मतलब उनको मारा पीटा जाए तो भी अलग बात हो, बेटी के बाप के पिताजी के माँ बाप के सामने बलात्कार हो, अपहरण कर लिया जाए, और अपहरण करने के बाद बलात्कार किया जाए, जबरन निकाह किया जाए, भी निम्रता डॉक्टर निम्रता वेटनरी डॉक्टर के सिंध में हत्या हुई बलात्कार के बाद, और ऐसी साल में हजारों सैकड़ों हजारों घटना है। बेचारे हम लोग तो वहाँ से चले आए, हम लोग जो ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय सुनार 1947 में आ गए, फिर 70-71 में आ गए बांग्लादेश युद्ध के समय, 65 के युद्ध में आ गए बड़ी मात्रा में, अब वहाँ बचा है बेचारा पिछड़ा दलित, वहाँ मेघवार बचा है, वहाँ कोली खटीक बचा है, वहाँ और भी पिछड़ी परिगणित जातियाँ दलित, उनके साथ कितना अत्याचार है, लूट लें मारपीट कर दें तो भी एक बात है, लेकिन उनकी बेटियों के साथ बहुओं के साथ अपराधकार उनकी हत्याएं, तो बेचारे इधर उधर से बॉर्डर से बच बचा के हाथ जोड़ के और आ जाते हैं। अब आ जाते हैं तो हमारे खैरथल में सिंधी पुष्कर ना सैकड़ों लोग बैठे हुए जिनको 20 साल से नागरिकता नहीं है, यहाँ जयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, भोपाल में, गुजरात गांधीधाम में, राजकोट में, और उसमें मेरा अपना बच्चा ही भतीजा है जया ओझा, इन विस्थापितों के लिए काम करता है निमित्त गेम एक संगठन चला के, और इनकी आर्थिक मदद, इनके बच्चों का एडमिशन। हाँ, मैं इसमें अशोक गहलोत साहब को भी, माननीय वसुंधरा जी दोनों को धन्यवाद दूंगा, पिछली बार अशोक गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे, मैं एमएलए था, तो उन्होंने बच्चों के स्कूल के एडमिशन में जोधपुर और जैसलमेर बाड़मेर के लिए राजस्थान में कलेक्टरों को एक सर्कुलर निकाला कि वहाँ चाहे सिंध की यूनिवर्सिटी में है, चाहे बोर्ड में है, सिंधु शिक्षा बोर्ड में, उनको एडमिशन दिया जाए। ये हमारा गहलोत साहब ने भी सहयोग किया, वसुंधरा जी तो करती रहती हैं क्योंकि बीजेपी से हैं, तो बीजेपी के लोग तो इस विश्वास को लेकर चलते हैं। इसलिए यह जो नागरिक संशोधन बिल आया है, विधेयक आया है, यह लेकिन सिर्फ वहाँ सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, 3 बड़े मुस्लिम देश ये भारत की बॉर्डर पर है, वैसे उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान भी है खैबर दर्रे से ऊपर, लेकिन अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ से हिंदू बेचारा बच बच करके और शरण लेने के लिए यहाँ आता है, और जो शरण लेने के लिए आता है उसके लिए राजा दिलीप ने अपना मांस का लोथड़े मांस काट काट के भी गाय को खिला दिया, जो गाय को मारने शिकारी आए थे। तो शरण में जो आया, चाहे वो जीव जंतु आया, चाहे गाय आई, चाहे कुत्ता भी आया, और ये तो खैर इंसान है बिल्कुल, इसलिए सिर्फ हिंदू ही नहीं, उनके साथ क्रिश्चियन ईसाइयों को जोड़ा, पारसियों को जोड़ा, सिखों को जोड़ा, सिख तो खैर हिंदू ही हैं लेकिन अपने आप में अब थोड़ा अलग कहने लगे हैं, तो इन सबको जो शरण देंगे
और शरण नहीं देंगे, इनको नागरिकता देंगे और त्वरित नागरिकता देंगे, और उसमें कागज पत्र की पूर्ति कलेक्टरों को आदेश हो गया हो जाएगा कि इनको तुरंत नागरिकता दी जाए, चाहे जयपुर में, चाहे राजस्थान के किसी हिस्से में, चाहे गुजरात में, चाहे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, कहीं भी है तो उनको नागरिकता मिल जाए। ऐसे लोगों को जो शरण लेने आए हैं, ऐसे लोगों को नहीं जो घुसपैठिए हैं। इसलिए बिल को समझिए, दुर्भाग्य है कांग्रेस कितना भटक गई है कि बिल पास हुआ उस दिन को श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, अध्यक्ष एक पार्टी के अध्यक्ष नाते से, नेता के नाते उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका आज काला दिन है। काला दिन तो तुम्हारा कांग्रेसियों का काला मुंह है। यानी आपके हिसाब से जो बिल आया है ये बिल्कुल सही है और ये आना चाहिए था। सिर्फ सही नहीं है, पूरी देश की बहुमत जनता, सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं, बहुमत जनता माननीय श्री मोदी जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय अमित शाह जी को और राजनाथ सिंह जी और शायद सभी नेताओं को, पार्टी के नेताओं को धन्यवाद दे रही है। फिर लोकसभा में बहुमत के साथ बिल पास हुआ है, पिछली बार लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में नहीं हो पाया, इस बार लोकसभा में भी हुआ और अपर जो हमारा सदन है राज्यसभा में पास हुआ है। इसलिए जब बिल पास हो गया, विधेयक पास हो गया और सही है, इसलिए अकेली बीजेपी नहीं, बीजेपी की अलायंस पार्टियों ने नहीं, और पार्टियों ने भी सहयोग किया, समर्थन किया। जैसे बसपा ने 370 और 335 के खिलाफ दिया वोट, इस बार बसपा मायावती जी कुछ बोल रही हैं, उनको एक समुदाय विशेष का वोट, एक मजहब विशेष के वोट के लिए सारी पार्टियां तलवे चाट रही हैं और जीव की लपलपाट कर रहे हैं कि उनका वोट संगठित रूप से मिलता है। हिंदू जातिवाद में बटा हुआ है, लेकिन अब हिंदू संगठित हो गया, अब यह समाज संगठित हो गया, इस दिव्य शक्ति और भक्ति को जो पहचानेगा वो पार्टी देश में राज करेगी। तेलंगाना में जो डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ, दुष्कर्म की घटना हुई, आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर करके मार गिराया क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहे थे जैसा पुलिस ने बताया, और देखिए कानूनी इस बारे में आप क्या, ये कानूनी पहलू है तो भी एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर सही हुआ होगा, इसलिए मैं ऐसे दुष्टों का क्या मोदी जी अब इस बारे में कुछ, आपकी पार्टी के मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, क्या कुछ आप लोग मिलके कुछ ऐसा एक कोई कानून बने कि रेप के आरोपी को, देखिए मेरे व्यक्तिगत विचार तो हैं कि एनकाउंटर हुआ है तो सही हुआ होगा और मैं सपोर्ट करता हूं, तेलंगाना की पुलिस की जयकार करता हूं, वहां की जनता की देश ने सराहा है उस एनकाउंटर को क्योंकि वो दुष्कर्मी थे और बेटियों ने सराहा है, माताओं बहनों ने सराहा है, बेटियों के साथ जो हो रहा है, कहाँ तो बेटी हमारी पूजी जाती थी मातृशक्ति के रूप में, हमारी माताएं बहने, और कहाँ ये दुराचार। उसके बाद उन्नाव में भी हो गया, वहां पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्नाव की कार्रवाई में तो देखिए उन्नाव की कार्रवाई में कुछ चूक रह गई हुई, लेकिन उसको फिर आर्थिक रूप से भी मजबूत किया, परिवार को मकान भी सब। ये आपकी व्यक्तिगत राय है कि उनका हश्र यही होना चाहिए, दुष्कर्मी होगा? देखिए त्वरित न्याय तो यही है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुदरत की लाठी बेआवाज होती है, प्रकृति की लाठी बेआवाज होती है, वो पड़ती तो आवाज नहीं आती। जब मानवीय न्याय में देरी हो, मानवीय न्याय में देरी हो तो कुदरत अपना न्याय करती है, ये एनकाउंटर कुदरत का न्याय है। बिल्कुल। अब आपसे एक आखिरी सवाल हमारा कि आप अब रिटायरमेंट की ओर हैं, आपके बाद आपके परिवार में आप किसे अपना उत्तरदायी समझते हैं, किसे आप राजनीति में लाना चाहेंगे, क्या आपका एक सोच क्या है आपकी? देखिए अभी 10 साल में अपने आप को रिटायर नहीं मानूंगा, और वैसे तो 75 के बाद मैं सक्रिय राजनीति से दाएं बाएं हूं, लोग भी आपको देखते रहना चाहेंगे, आपके बयानों को सुनना चाहेंगे। फिर भी मैं इसलिए कहा, मैंने कहा कि कांग्रेस ने अपना काला दिवस ने काला मुख कितने किया और उसका जनता में एक विश्वास टूट रहा है, विश्वास जा रहा है, इसलिए कांग्रेस जगह जगह हार रही है। और एक सीट जीती मेरे यहाँ बाद में जो उपचुनाव हुआ है रामगढ़, और बसपा को और सपा को असम और कसम और खसम को लेके बहुमत बना के चल रहे हैं, कोई बहुमत है, कोई सरकार है, लेकिन फिर भी आप अपने बाद किसको अपना उत्तरदायी परिवार में? मेरे अगर फिजिकली मैं फिट नहीं हूँ, अभी मैं फिट हूँ, बिल्कुल, मैं अपने आप को 72 साल का बच्चा, मेरे देखेंगे मोबाइल में फोटो, तो मैं अपने आप को 72 साल का बच्चा, रिकॉर्ड मेरा 50 है तो 70 है, बिल्कुल, लेकिन ओरिजिनल 70 साल का बच्चा और 27 साल का जवान मानता हूँ। अभी रिटायरमेंट के वाला कोई मैटर नहीं है, फिर भी मेरे 6 भतीजे हैं, 4 बड़े भाई साहब मेरे, उनके बच्चे हैं, 2 मेरे से बड़े जो मेरे साडू भी जी, वो 6 है जी। हमारे यहाँ पिछले 10 पीढ़ी का तो मुझे ध्यान में है जी, हमारा सारा परिवार मेडिकल से जुड़ा हुआ है जी, कोई यूनानी वैद्य, कोई तैयब तबीब, उर्दू में कहते हैं तबीब जी,
कोई डॉक्टर और कोई मेडिकल स्टोर, मेडिकल से चिकित्सा से जुड़ा हुआ हमारा परिवार है। लेकिन एक नेता, एक भाई नेता निकलता है। मेरे पिताजी तीन भाई थे, तीन भाइयों में मेरे पिताजी सरपंच रहे, राजनीति करते थे, आर्य समाज थे और कांग्रेस में थे। मैं इसको भी खुलासा करूंगा, कांग्रेस में थे। कांग्रेस को उन्होंने तब छोड़ा जब इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और गुलजार नंदा गृहमंत्री थे, उन्होंने साधुओं में गोलियां चलाई गोरक्षा आंदोलन पर, तो कैरतल में अलवर में आकर के उन्होंने सफेद टोपी को पेट्रोल मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी। जी, लेकिन कांग्रेस में थे और आर्य समाज थे, और बाकी दोनों भाई हमारे मेडिकल स्टोर और सर्विस में थे। और आप भाइयों में, आप राजनीति में आए? भाई हम तीन हैं, तीनों में मैं राजनीति में आया और राजनीति में भी टॉप लेवल पे गया। ये बात बिल्कुल बिल्कुल, कहने की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल, मैं अपनी बड़ाई करूँ वो बड़ाई नहीं, लेकिन आप सब जानते हैं, एमएलए एमपी रहूं ना रहूं, मेरी पहचान अपने आप में बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, आपके पूछे पूरे देश विदेश में जानी जाती है। और आपके बाद कौन आएगा? छह भतीजों में मेरा भतीजा है, मुझे अपना इशू नहीं है जी। मेरा भतीजा है जय आहूजा जी। जय आहूजा के पीठ पीछे मैं प्रशंसा करता हूँ कि वो मेरे से भी अधिक योग्य है, अधिक उसकी स्टडी हो गई है, लॉजिकली बोलता है, लॉजिकली कहता है और हिंदुत्व के लिए कहता है, और परिवार हिंदुत्व से जुड़ा है, मैं स्वयं हिंदू विचारों से, तो वो बिल्कुल सीधे सीधे हिंदुत्व के लिए कहता है। अभी राजनीति में वो है नहीं, मैंने कहा उसको इस बार बीजेपी का सदस्य सक्रिय सदस्य बन जाए, उसने कहा नहीं, अभी मैं समाज के कार्य को, सामाजिक काम को, सामाजिक सेवा के रूप में, समाज सेवी के रूप में काम करना चाहता हूँ। लेकिन चढ़ते कदम बढ़ते कदम लगे साल साल एवरेस्ट को बनाने में, जय आहूजा उस एवरेस्ट की चोटी पर आगे बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, और वो एक योग्य लड़का भतीजा निकला। आज हमारे साथ भाजपा के फायर ब्रांड ज्ञानदेव आहूजा जी हमारे स्टूडियो आए, उन्होंने हमसे बातें करी, राजनीतिक जीवन की बातें करी, व्यक्तिगत जीवन की बातें करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।